कोरोना की दूसरी लहर को हराने के लिए जल्द से जल्द वैक्सीनेशन होना जरूरी है, इसलिए सरकार ने वैक्सीनेशन का पहला चरण 16 जनवरी से ही शुरू कर दिया था। फिलहाल वैक्सीनेशन का तीसरा चरण जारी है, जिसमें 18 से 44 उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। हर राज्य में तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बीच ये खबर है कि छत्तीसगढ़ में टीकाकरण में आरक्षण होने की बात कही गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजीत जोगी ने राज्य शासन द्वारा टीकाकरण में आरक्षण लागू करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इससे पहले भी 5 से ज्यादा याचिकाएं हाई कोर्ट में टीकाकरण के आरक्षण को लेकर दाखिल है, जिसकी सुनवाई मंगलवार को वर्चुअल तरीके से हुई। दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने टीकाकरण में आरक्षण लागू करने की बात पर सख्त एतराज जताया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने 2 दिन के भीतर टीकाकरण पर नई नीति बनाने के निर्देश भी जारी किए हैं। पीठ याचिकाकर्ता किशोर भादुड़ी समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने टीकाकरण आरक्षण पर आपत्ति जताते हुए कहा कि WHO ने टीकाकरण को लेकर प्राथमिकताएं तय की हैं, लेकिन उसमें आरक्षण तो नहीं। शासन ने प्रदेश जनता के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नई नीति बनाने की बात कही। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ।